श्रीमद् भागवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है, उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, तत्व, रहस्य और उपासना का तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार भगवत गीता में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। भगवत गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। गीता में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो रोचक कहा जा सके। इसमें जितनी बातें कही गई है वे सभी अक्षरशः यथार्थ है। सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना उसका निरादर करना है। गीता सर्वशास्त्रमयी है, इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहा जाता है। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सभी शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो जाता है। गीता को हम भगवान से भी बढ़कर कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। भगवान ने स्वयं कहा है, मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। इसके सिवा गीता में ही भगवान अपने मुक्त कंठ से यह घोषणा करते हैं कि जो कोई मनुष्य मेरी इस गीता रूप आज्ञा का पालन करेगा वह निसंदेह मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य गीता का रहस्य भक्तों को धारण कराता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है वो मनुष्य मुझे अतिशय प्रिय है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवत गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के एक एक अध्याय के एक एक श्लोक का मतलब विस्तार पूर्वक और सरल भाषा में समझाएंगे, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज जरूर सुने। तो चलिए अब देर नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यहाँ शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वो संजय से जानना चाहते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, उनकी सेना क्या कर रही है। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, लेकिन वो आँख से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। वो जानते थे कि वो धर्म के साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि धर्म तो वहाँ था जहाँ श्री कृष्ण खड़े थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में हम भी जब कोई गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं कि हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा नहीं हो, और यही डर चिंता धृतराष्ट्र को सता रहा था। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं कि हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यूह को देख रहे हैं
और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर बताते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वो युद्ध क्षेत्र से दूर रहते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। दुर्योधन कह रहे हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यूह के आकार में सजाया है। इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महान शूरवीर और धनुर्धर है, युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा है। धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराज जैसे महान शक्तिशाली और पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी है। युधामयु जैसे महान पराक्रमी तथा उत्तमौजा जैसे अत्यंत शक्तिशाली, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों सहित ये सभी महान योद्धा है। दुर्योधन कह रहे हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ के भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को जान लीजिए। मेरी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा है, जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक शूरवीर भी है, जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है और यह सभी युद्ध विधा में निपुण है। इस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित हमारी सेना की शक्ति असीमित है, किंतु भीम द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित होकर भी पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है। अतः सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहकर आप सभी निश्चित रूप से भीष्म पितामह की सभी ओर से सहायता करें। संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह गर्जना के समान उच्च स्वर से शंख बजाया। तत्पश्चात अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और सींग आदि बाजे अचानक एक साथ बज उठे। उनका वो शब्द बड़ा भयंकर था। तत्पश्चात दूसरी ओर से सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर आसीन योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और कभी न हारने वाला सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि सभी ने अलग अलग शंख बजाए। संजय कहते हैं, उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए आपके पुत्रों के हृदय में शोक उत्पन्न कर दिया। हे राजन, इसके बाद हनुमान से अंकित पताका लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें, जिससे मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से एक साथ युद्ध करना है। मैं उनको भी देख सकूं जो ये राजा लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के पूर्ण ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया और भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण तथा संसार के सभी राजाओं के सामने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन सभी कुरु वंश के सदस्यों को देख। वहां पृथापुत्र अर्जुन ने अपने ताओ चाचा को, दादा परदादा को, गुरु को, मामा को, भाई को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को देखा।
कुंती पुत्र अर्जुन ने ससुरों को और शुभ चिंतकों सहित दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सभी संबंधियों को देखा। तब करुणा से अभिभूत होकर शोक करते हुए अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इन सभी मित्रों तथा संबंधियों को उपस्थित देखकर मेरे शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। हे केशव, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता है। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न ही राज्य और सुखों की इच्छा करता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य, सुख अथवा इस जीवन से भी क्या लाभ है जिनके साथ हमें राज्य आदि सुखों को भोगने की इच्छा है। वही गुरुजन, परिवारजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर और सारे संबंधी अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग कर इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूँ, भले ही यह सभी मुझे ही मार डाले। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। हे माधव, अतः मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों और संबंधियों सहित मारना उचित नहीं लगता है, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यपि लोभ के कारण इन भ्रमित चित वालों को कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष दिखाई नहीं देते हैं और मित्रों से विरोध करने में कोई पाप दिखाई नहीं देता है, परंतु हे जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं। क्यों न हमें इस पाप से बचने के लिए विचार करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही कुल में नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितृ गिर जाते हैं, क्योंकि पिंड और जल के दान की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। इन अवांछित संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित विरोध न करने वाले को धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध में मार डाले तो भी इस प्रकार मरना मेरे लिए अधिक श्रेयकर होगा। संजय ने कहा, इस प्रकार शोक से संतप्त हुआ मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में ये कहकर बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। और इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नाम का पहला अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पहले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार दुर्योधन की सेना में अपने रिश्तेदारों गुरुजनों को देखकर अर्जुन के पैर कांपने लगे। युद्ध में अपने कुल के नाश का डर अर्जुन को सताने लगा। शोक से संतप्त हुआ मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अब श्री भगवान उसका उत्तर देंगे और इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। अब यहाँ से शुरुआत होती है उस ज्ञान की जिसके लिए भगवत गीता दुनिया का सबसे महानतम ग्रंथ है और ज्ञान का भंडार माना जाता है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले
शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति को बढ़ाने वाला है। भगवान यहाँ अर्जुन से पूछते हैं कि हे अर्जुन, जबकि अब युद्ध शुरू होने वाला है, ऐसी अवस्था में बुद्धिमान होते हुए भी तुम्हारे अंदर ऐसा मोह कहाँ से आ गया? इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती है। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तब अर्जुन श्री भगवान से कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मार कर मैं इस लोक में भिक्षा मानकर खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। इसमें अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि गुरुजनों को मारना सर्वथा अनुचित है, उनको मारकर भी क्या मिलेगा? ना तो मुक्ति मिलेगी और ना ही धर्म की सिद्धि होगी, केवल इस लोक में अर्थ और काम रूप तुच्छ भोग ही तो मिलेगा, जिनका मूल्य इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है। हत्या के फलस्वरूप मेरे हाथ उनके रक्त से सने हुए ही होंगे। इसलिए ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि उचित नहीं है। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इसमें अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि युद्ध में विजय पा लेने पर ज्यादा से ज्यादा मैं इस पृथ्वी पर राज्य प्राप्त कर लूंगा, परंतु यदि मुझे देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो भी वह मेरे इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर करने में समर्थ नहीं है। इसलिए मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाली शोक को दूर करके मुझे सदा के लिए सुखी बना दे। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर, फिर श्री गोविंद भगवान से कहकर कि युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जिस प्रकार जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही मरने के बाद नए शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। इसमें श्री भगवान के कहने का भाव है कि जिस प्रकार बालकपन, जवानी और बुढ़ापा ये अवस्थाएं आत्मा की नहीं होती है, स्थूल शरीर की होती है और आत्मा में उनका आरोप किया जाता है, ठीक उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में आना जाना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का ही होता है और उसका आरोप आत्मा में किया जाता है। इसलिए इस तत्व को नहीं जानने वाले अज्ञानी जन ही मरने वाले का शोक करते हैं, धीर पुरुष ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है, इसलिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है।
हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत तू उनको सहन कर। इसमें श्री भगवान के कहने का भाव है कि सर्दी गर्मी सुख दुख ये सब इंद्रियों के विकार है, इसलिए उसे क्षण भंगुर और अनित्य समझ और शोक मत कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी दुख आने पर हम दुखी हो जाते हैं, जबकि ज्ञानी पुरुष जानता है कि अगर दुख घर में प्रवेश किया है तो सुख भी जरूर दरवाजे पर ही खड़ा होगा। इसलिए जो मनुष्य किसी भी विषम परिस्थिति से व्याकुल नहीं होता, वैसा ज्ञानी मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का भाव है कि असत अर्थात शरीर इंद्रिय की कोई सत्ता यानी भाव नहीं है, इसलिए अपने स्वजनों के शरीर की नाश की आशंका से शोक करना अनुचित है। सत का भाव यहाँ परमात्मा से है, परमात्मा सर्वव्यापी है, अखंड और निर्विकार है, इसलिए यदि तुम आत्म रूप से अपने स्वजनों के नाश की आशंका करके शोक करते हो तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। नाश्रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। श्री भगवान कहते हैं परमात्मा का कोई भी नाश नहीं कर सकता, इसीलिए परमात्मा ही सत है। उस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। यहाँ श्री कृष्ण का भाव है कि जब ये बात सिद्ध हो चुकी है कि शरीर नाशवान है, उनका नाश अनिवार्य है और आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता, तो युद्ध करने में शोक का कोई कारण ही नहीं है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यहाँ श्री भगवान का भाव है कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं, इसलिए मरने वाला स्थूल शरीर है। इसी तरह जिस स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणों का वियोग होता है, उसे मारने वाला कहते हैं, इसलिए मारने वाला भी शरीर ही है, आत्मा नहीं है। किंतु शरीर के धर्मों को अपने में अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्मा को मारने वाला मान लेते हैं, इसलिए उनको उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। यहाँ श्री भगवान का भाव है कि स्थूल शरीर द्वारा किसी को मारना या मरवाना ये आत्मा का काम नहीं है, इसलिए किसी के लिए भी किसी प्रकार का शोक करना उचित नहीं है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती है। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, अर्थात आत्मा किसी भी इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जा सकता है। यह आत्मा अचिंत्य है, अर्थात आत्मा मन का भी विषय नहीं है। यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो,
तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। यहाँ श्री भगवान का भाव है कि आत्मा आश्चर्यमय है, इसलिए उसे देखने वाला संसार में कोई विरला ही होता है, और वह उसे आश्चर्य की भांति देखता है। जो महापुरुष परमात्मा को जानने वाले हैं, जो संपूर्ण वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता है, वे ही आत्मा का वर्णन कर सकते हैं, और उनका वर्णन करना भी आश्चर्य की भांति होता है। इस आत्मा के वर्णन को सुनने वाला सदाचारी आस्तिक पुरुष भी कोई विरला होता है, और उसका सुनना भी आश्चर्य की भांति होता है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूपी इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग अनंत काल तक तेरी अपकीर्ति की चर्चा करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग अर्थात तुम्हारे शत्रुगण तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाएगा और स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चित करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुखों को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, ये बुद्ध भी तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्ध भी को जानकर तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। यहाँ श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्मयोग का कभी नाश नहीं होता, इसके संस्कार साधक के अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं, और वे साधक को दूसरे जन्म में पुनः साधन में लगा देते हैं। निष्काम भाव से किए गए कर्मों का विपरीत परिणाम भी नहीं होता है, और ऐसा साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि भी एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहाँ सोच की फैसले की निर्णय की कमी हो वहाँ कई बुद्धियाँ काम करती है। यहाँ अनिर्णय की स्थिति के बारे में कहा गया है। जब आप फैसला नहीं ले पाते हैं तो ना जाने कई दिशाओं में आपका ध्यान आपकी बुद्धि जाती है, लेकिन अगर आप निर्णय करने की सोच ले तो उसके बाद सिर्फ उस काम को करने का ही प्रण होता है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेदवाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है,
यानी ऐसे लोग जो कर्म के बदले में होने वाले सिर्फ फल या लाभ की बात करते हैं, तो वह कर्म नहीं स्वार्थ बन जाता है, उसे कर्म नहीं कह सकते। हे अर्जुन, जो अज्ञानी लोग सिर्फ दिखाव शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, वो ढोंगी होते हैं। वो कहते बहुत कुछ है लेकिन करते बहुत कम है। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। जो कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका ध्येय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि भी नहीं होती। हे अर्जुन, वेदों के कर्मकांड हमारी प्रकृति के तीन गुणों से जुड़े हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग और क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंत करण वाला हो। यहाँ श्री भगवान कहते हैं, वेद भी सिर्फ तीन गुणों में समाप्त हो जाते हैं, उससे आगे वे भी नहीं जानते। उससे आगे है कर्म योग। श्री भगवान का कहना है कि कर्म करो लेकिन उससे आसक्ति मत रखो। बेहद बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह से जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया, तब उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल के लिए काम मत कर। लेकिन ऐसा भी ना हो कि तू काम ही मत कर, कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, फल की इच्छा के लिए कर्म मत कर। तुमको कर्मयोगी बनने के लिए संभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। सकाम कर्मों को बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत नीचा बतलाकर भगवान ने भाव दिखलाया है कि सकाम कर्मों का फल नाशवान क्षणिक सुख की प्राप्ति है और कर्मयोग का फल परमात्मा की प्राप्ति है। इसलिए दोनों में दिन और रात की भांति महान अंतर है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वो स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा स्पृहा रहित है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित होकर शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित होकर मेरा ध्यान करे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है।
क्रोध से भ्रम पैदा होता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से उस पुरुष का पतन हो जाता है। जिस प्रकार हवा के झोंके नाव को भटका देती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की इंद्रियां उसकी बुद्धि को भटका देती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां उसके बस में होती है, उसी की बुद्धि स्थिर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एकरस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ लगता है, तो फिर हे केशव, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आप मिले हुए वचनों को कहकर मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए एक बात बताओ प्रभु, जिससे मेरी उलझन दूर हो सके, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस दुनिया में दो प्रकार की निष्ठा यानी दो प्रकार का विश्वास है। एक है सांख्य योग, जिसका रिश्ता ज्ञान से है, और दूसरा है कर्म योग, जिसका लेना देना सिर्फ कर्म से है। अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा में ध्यान लगाना ज्ञान योग से होता है, और इसको कहते हैं संन्यास या सांख्य योग। और दूसरा होता है कर्म योग, मतलब निष्काम कर्म करके फल में आसक्ति ना रखना। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। अर्थात कर्म को छोड़ देने से या उसे त्याग देने से न तो कोई सन्यासी बन सकता है और न ही कोई कर्मयोगी बन सकता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता है। जो मंद बुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है अर्थात वही कर्म योगी है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अर्थात तू सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन कर, क्योंकि कर्म नहीं करने से तेरा जन्म लेना भी बेकार हो जाएगा। हे अर्जुन, तू यज्ञ समझ कर अपना कर्म कर। जिस प्रकार यज्ञ समाज और प्रजा की भलाई के लिए किया जाता है, उसी तरह तू इस युद्ध को यज्ञ समझकर अर्थात अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने इस दुनिया की शुरुआत में यज्ञ को रचकर अपनी जनता को कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। यज्ञ एक तरीके से हमें रास्ता दिखाता है, हमें कर्म करना सिखाता है। ब्रह्मा कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा देवताओं को खुश करना चाहिए, और फिर वे देवता खुश हो करके हम सबकी भलाई करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ करके जब आप देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो बिना मांगे ही आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञ से देवताओं को प्रणाम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है,
उसे चोर समझना चाहिए, अर्थात बिना कर्म किए। कोई चाहता है कि उसे सब कुछ मिल जाए तो उसे चोर ही तो समझना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं उन्हें चोर समझना चाहिए। अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी कि बारिश, और बारिश यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से होते हैं, और कर्म की उत्पत्ति वेद से। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेद से ही तो आया है, और वेद परम पिता परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि यज्ञ और ईश्वर में सीधा संबंध है। हे पार्थ, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब है, जिसे परमात्मा मिल चुका है वह कोई और दूसरा कर्म क्यों करे। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर, अर्थात अपनी इच्छा को त्याग कर, सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उन्हीं के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, अर्थात मैं भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, और मैं संकरता का करने वाला हो जाऊंगा, तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। हे भारत, जिनमें समझ नहीं होती वो कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं। आसक्ति रहित विद्वान को भी चाहिए कि वह भी लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए उसी प्रकार कर्म करे। जो ज्ञानी है, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी ये जिम्मेदारी बन चुकी है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में काम करने के प्रति अश्रद्धा या अपमान ना पैदा हो जाए। इसलिए उन ज्ञानी जनों के लिए ये जरूरी है कि वो ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य या नींद इसी प्रकार के कर्म करते हैं। राजसिक गुण वाले बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं, लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं उसके गुण ही उससे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वो समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं।
कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को ये जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वो खुद कुछ भी नहीं करते। और जो ज्ञानी इस बात को समझ ले तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अज्ञानियों को समझाए कि कर्म ही उनका धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर आशा और ममता को छोड़कर युद्ध करो। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जिस प्रकार कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल, ठीक उसी प्रकार कर्म का ज्ञान कहता है कि कर्म कर और उसे भगवान को समर्पित कर दे। गीता के 4th अध्याय में श्री भगवान ज्ञान कर्म और संन्यास योग के बारे में बताएंगे, तो चलिए सुनते हैं भगवत गीता का अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य इस तत्व को अच्छे से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप ताप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। यहाँ श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में पूर्वजों ने भी इस प्रकार मेरे बताए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अगर तू भी मोक्ष को पाना चाहता है, तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में
बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ श्री भगवान बताएंगे कि सही में कर्म क्या है। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यहाँ श्री भगवान का भाव है कि जो मनुष्य कर्म तो करता है लेकिन उस कर्म में अकर्म को देखता है, अर्थात ये नहीं सोचता है कि मैं ही करता हूँ, वो फल की इच्छा नहीं रखता, सही मायने में वैसा बुद्धिमान पुरुष योगी के समान है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, अर्थात जो कर्मों के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, उसके लिए भगवान की भक्ति के अलावा और कोई कर्म नहीं रह जाता है, अर्थात वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। जिसको बिना मांगे जो मिले उसी में संतुष्ट रहता है, जो न किसी से ईर्ष्या करता है और न द्वेष, जो सुख दुख को एक समान भाव से देखता है, ऐसा मनुष्य कर्म योगी कहलाता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपने देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। कुछ योगी देवताओं को सब कुछ मानकर यज्ञ को उनको समर्पित करते हैं और जो पहुँचे हुए कर्म योगी होते हैं वो ब्रह्म को सब कुछ मानकर यज्ञ को सौंपते हैं। चाहे आप राम कृष्ण शिव या दुर्गा या अपने इष्ट को सब कुछ सौंप कर यज्ञ करें या ब्रह्म को सबसे बड़ा सच मानकर कर्म करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये याद रखना है कि आपका कर्म भी एक यज्ञ है, जिसमें आप उस ईश्वर को अपना सब कुछ सौंप के बस काम में लग जाते हैं। जो योगी होते हैं वो अपने संयम की आग में अपने इंद्रियों को अर्थात अपनी इच्छाओं को डालकर भस्म कर देते हैं और जो योगी नहीं होते हैं वो ठीक इसका उल्टा करते हैं, वो अपना सब कुछ इन इंद्रियों में भस्म कर देते हैं, अर्थात अपने इंद्रियों का गुलाम बन जाते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करने का सबसे बड़ा तरीका है ज्ञान। ज्ञान से ही योगी लोग अपने मन को नियंत्रण में करते हैं। जब भी कोई बुरा विचार आता है तो उनका ज्ञान ही उसे बताता है कि उनका लक्ष्य ये नहीं है। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। इसलिए अपना यज्ञ चुनकर कर्म करें। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्राण का अर्थ है सांस अंदर खींचना और अपान का अर्थ है सांस को छोड़ना। कौन कितना पहुंचा हुआ योगी है उसकी अलग अलग अवस्था होती है।
यहाँ श्री भगवान यही समझा रहे हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यज्ञ करने के बाद जो बचता है उसे श्री कृष्ण अमृत बता रहे हैं, और ये अमृत सीधे भगवान तक ले जाता है। यहाँ यज्ञ को आप कर्म भी समझ सकते हैं। कर्म करने के बाद जो उसका फल हो उसे भगवान का आशीर्वाद समझ उसमें संतुष्ट होकर अपने अगले कर्म में लग जाना चाहिए। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, अर्थात तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, आहुति चढ़ाकर किए गए यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ वो है जिसमें अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, अपनी सांसों पर नियंत्रण रखते हैं, कर्म तो करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं रखते हैं। ये सब ज्ञान यज्ञ ही तो है। ज्ञान यज्ञ हमें सीधे ईश्वर से साक्षात्कार कराता है, हमें उनसे जोड़ता है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, उस ज्ञान को प्राप्त करके उस पर अमल करके तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नाव द्वारा परमात्मा की भक्ति करके पाप रूपी समुद्र से तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है और मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा मनुष्य अपनी मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में अपने आप ही आत्मा में पा लेता है, और वह मनुष्य फिर से कर्मयोग में लग जाता है, अर्थात ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वह मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और भगवान की प्राप्ति कर परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित और संशय युक्त मनुष्य इस ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। हे धनंजय, जिसने कर्मयोगी की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए मन वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते और वो सीधे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, कभी आप संन्यास माध्यम से कर्म करने के लिए कहते हैं और कभी निष्काम माध्यम से कर्म करने के लिए कहते हैं, इसलिए इन दोनों में मेरे लिए जो परम कल्याणकारी हो उसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म और निष्काम माध्यम से किया जाने वाला कर्म, ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाला है, परंतु संन्यास माध्यम की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। हे महाबाहु, जो मनुष्य न तो किसी से घृणा करता है और न ही किसी की इच्छा करता है, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि ऐसा मनुष्य राग द्वेष आदि सभी द्वंद्वों को त्याग कर सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अल्प ज्ञानी मनुष्य ही सन्यास योग और निष्काम कर्म योग को अलग अलग समझते हैं,
न कि पूर्ण विद्वान मनुष्य, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार से स्थित पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात दोनों प्रकार के कर्मों का बराबर फल मिलता है। जो फल ज्ञान योगियों को प्राप्त होता है, वही निष्काम कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य संन्यास योग और निष्काम कर्म योग दोनों को फल की दृष्टि से एक समान देखता है, वही वास्तविक सत्य को देख पाता है। हे महाबाहु, निष्काम कर्म योग के आचरण के बिना सन्यासी जीवन दुख का कारण होता है, और भगवान के किसी भी एक स्वरूप को मन में धारण करने वाला निष्काम कर्म योगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। कर्म योगी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और परमात्मा में निष्काम भाव से मन को स्थित करके कर्म करता हुआ भी कभी कर्म से लिप्त नहीं होता है। कर्म योगी परम तत्व परमात्मा की अनुभूति करके दिव्य चेतना में स्थित होकर देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, सब प्रकार से यही सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, वो सब कर्मों का कारण ईश्वर को मानता है। कर्म योगी बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और बंद करता हुआ भी यही सोचता है कि सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही है, ऐसी धारणा वाला होता है। अर्थात कर्म योगी जो भी कार्य करते हैं वो शास्त्र अनुकूल और लोक हित के लिए ही होती है। कर्म योगी सभी कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है, इसीलिए उसको पाप कर्म कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं कर पाता है। कर्म योगी निष्काम भाव से शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्म योगी सभी कर्म के फलों का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है, और जो सिर्फ फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वो तो 84 लाख योनियों में ही भटकते रहते हैं। शरीर में स्थित जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का परित्याग करके वह न तो कुछ करता है और न ही कुछ करवाता है, तब वह 9 द्वारों वाले स्थूल शरीर में आनंद पूर्वक आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। शरीर में स्थित जीवात्मा देह का कर्ता न होने के कारण इस लोक में उसके द्वारा न तो कर्म उत्पन्न होते हैं और न ही कर्म फलों से कोई संबंध रहता है, बल्कि यह सब प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। शरीर में स्थित परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म को और न ही किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता है, किंतु जीवात्मा मोह से ग्रसित होने के कारण परमात्मा जीव के वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। किंतु जब मनुष्य का अज्ञान तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, तब उसके ज्ञान के दिव्य प्रकाश से उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संसार की सभी वस्तुएं प्रकट हो जाती है। जब मनुष्य बुद्धि और मन से परमात्मा की शरण ग्रहण करके परमात्मा के ही स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा भाव से स्थित होता है, तब वह मनुष्य तत्व ज्ञान के द्वारा सभी पापों से शुद्ध होकर पुनर्जन्म को प्राप्त न होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। तत्वज्ञानी मनुष्य विद्वान ब्राह्मण और विनम्र साधु को तथा गाय, हाथी, कुत्ता और नरभक्षी को एक समान दृष्टि से देखने वाला होता है। तत्वज्ञानी मनुष्य का मन समभाव में स्थित रहता है, उसके द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन रूपी संसार को जीत लिया जाता है, क्योंकि वह ब्रह्म के समान निर्दोष होता है और सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। तत्वज्ञानी मनुष्य न तो कभी किसी भी प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न ही अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है, ऐसा स्थिर बुद्धि मोह रहित ब्रह्म को जानने वाला सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। तत्वज्ञानी मनुष्य बाहरी इंद्रियों के सुख को नहीं भोगता है, बल्कि सदैव अपनी ही आत्मा में रमण करके सुख का अनुभव करता है, ऐसा मनुष्य निरंतर परब्रह्म परमात्मा में स्थित होकर असीम आनंद को भोगता है।
हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रिय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाले ये भोग प्रारंभ में सुख देने वाले होते हैं और अंत में यही इंद्रियों के विषयों का भोग दुख का कारण बनता है। इसी कारण तत्वज्ञानी कभी भी इंद्रिय सुख नहीं भोगता है। जो मनुष्य शरीर का अंत होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही मनुष्य योगी है और वही इस संसार में सुखी रह सकता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही सुख चाहने वाला होता है और अपने मन को अपनी ही आत्मा में स्थिर रखने वाला होता है, जो आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वही मनुष्य योगी है और वही ब्रह्म के साथ एक होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। जिनके सभी पाप और सभी प्रकार की दुविधाएं ब्रह्म का स्पर्श करके मिट गई हैं, जो समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वही ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य मन को आत्मा में स्थित करके परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग चुका है, जिसे हर काम हर वस्तु में सिर्फ परमात्मा ही दिखाई देता है, वही पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। सभी इंद्रिय विषयों का चिंतन बाहर ही त्याग कर और आंखों की दृष्टि को दोनों भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण वायु और अपान वायु की गति नासिका के अंदर और बाहर सम करके मन सहित इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके परमात्मा का ध्यान करने वाला योगी मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा मुक्त पुरुष मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं को भोगने वाला सभी लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा संपूर्ण जीवों पर उपकार करने वाला परम दयालु एवं हितैषी समझता है और ऐसा मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद् गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नाम का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। इस अध्याय में श्री भगवान बताएंगे कि योग में स्थित मनुष्य के क्या क्या लक्षण होते हैं। यहाँ योग का मतलब है परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला कर्म। श्री भगवान कहते हैं, जो मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा से अपना कर्तव्य समझकर कार्य करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। न तो अग्नि को त्यागने वाला ही सन्यासी होता है और न ही कार्यों को त्यागने वाला ही योगी होता है। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तू योग समझ, क्योंकि इंद्रिय सुख की इच्छा का त्याग किए बिना कभी भी कोई मनुष्य योग अर्थात परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। मन को वश में करने की इच्छा वाले मनुष्य को योग की प्राप्ति के लिए कर्म करना कारण होता है और योग को प्राप्त होते होते सभी सांसारिक इच्छाओं का अभाव हो जाना ही कारण होता है। जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके न तो शारीरिक सुख के लिए कार्य करता है और न ही फल की इच्छा से कार्य में प्रवृत्त होता है, उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपना जन्म मृत्यु रूपी बंधन से उद्धार करने का प्रयत्न करे और अपने को निम्न योनि में न गिरने दे, क्योंकि यह मन ही जीवात्मा का मित्र है और यही जीवात्मा का शत्रु भी है। जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका वह मन ही परम मित्र बन जाता है, लेकिन जो मनुष्य मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही परम शत्रु के समान होता है। जिसने मन को वश में कर लिया है उसको परम शांति स्वरूप परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान एक समान होते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित वाला और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य के लिए मिट्टी पत्थर और सोना एक समान होते हैं। ऐसा मनुष्य स्वभाव से सभी का हित चाहने वाला मित्रों और शत्रुओं में तटस्थों और मध्यस्थों में शुभ चिंतकों और ईर्ष्यालुओं में पुण्यात्माओं और पापात्माओं में भी एक समान भाव रखने वाला होता है।
ऐसा मनुष्य निरंतर मन सहित शरीर से किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित हुए बिना तथा किसी भी वस्तु का संग्रह किए बिना परमात्मा के ध्यान में एक ही भाव से स्थित रहने वाला होता है। योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थान में पवित्र भूमि में न तो बहुत ऊंचा और न ही बहुत नीचा कुशा के आसन पर मुलायम वस्त्र या मृगछाला बिछाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को एक बिंदु पर स्थित करके चित और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को अपने शरीर गर्दन तथा सिर को अचल और स्थिर रखकर नासिका के आगे के सिरे पर दृष्टि स्थित करके इधर उधर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ बिना किसी भय से इंद्रिय विषयों से मुक्त ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित मन को भली भांति शांत करके मुझे अपना लक्ष्य बनाकर और मेरे ही आश्रय होकर अपने मन को मुझ में स्थिर करके मनुष्य को अपने हृदय में मेरा ही चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार निरंतर शरीर द्वारा अभ्यास करके मन को परमात्मा स्वरूप में स्थिर करके परम शांति को प्राप्त हुआ योग में स्थित मनुष्य ही सभी सांसारिक बंधन से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त कर पाता है। हे अर्जुन, योग में स्थित मनुष्य को न तो अधिक भोजन करना चाहिए और न ही कम भोजन करना चाहिए, न ही अधिक सोना चाहिए और न ही सदा जागते रहना चाहिए। नियमित भोजन करने वाला, नियमित चलने वाला, नियमित जीवन निर्वाह के लिए कार्य करने वाला और नियमित सोने वाला योग में स्थित मनुष्य सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। योग में स्थित मनुष्य का योग के अभ्यास द्वारा मन जब आत्मा में स्थित परमात्मा में ही विलीन हो जाता है तब वह सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। उस समय वह पूर्ण रूप से योग में स्थिर कहा जाता है। उदाहरण के लिए जिस प्रकार बिना हवा वाले स्थान में दीपक की लौ बिना इधर उधर हुए स्थिर रहती है उसी प्रकार योग में स्थित मनुष्य का मन निरंतर आत्मा में स्थित परमात्मा में स्थिर रहता है। योग के अभ्यास द्वारा जिस अवस्था में सभी प्रकार की मानसिक गतिविधियां रुक जाती है उस समाधि रूपी अवस्था में मनुष्य अपनी ही आत्मा में परमात्मा को साक्षात्कार करके अपनी ही आत्मा में पूर्ण संतुष्ट रहता है। तब वह अपनी शुद्ध चेतना द्वारा प्राप्त करने योग्य परम आनंद को शरीर से अलग जानता है और उस अवस्था में परम तत्व परमात्मा में स्थित वह योगी कभी भी विचलित नहीं होता है। परमात्मा को प्राप्त करके वह योग में स्थित मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होकर इससे अधिक अन्य कोई सुख नहीं मानता हुआ भारी से भारी दुख में भी विचलित नहीं होता है। मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ विश्वास के साथ योग का अभ्यास करते हुए सभी सांसारिक संसर्ग से उत्पन्न दुखों से बिना विचलित हुए योग समाधि में स्थित रहकर कार्य करे। मनुष्य को चाहिए कि मन में उत्पन्न होने वाली सभी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समूह को सभी ओर से अपने वश में रखे। मनुष्य को चाहिए कि मन को आत्मा में स्थित करके परमात्मा के चिंतन के अलावा अन्य किसी वस्तु का चिंतन न करे। मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से स्थिर न रहने वाला और सदा चंचल रहने वाला यह मन जहाँ जहाँ भी प्रकृति में जाए वहाँ वहाँ से खींचकर अपनी आत्मा में ही स्थिर करे। योग में स्थित मनुष्य का मन जब परमात्मा में एक ही भाव में स्थिर रहता है और जिसकी रज गुण से उत्पन्न होने वाली कामनाएं भली प्रकार से शांत हो चुकी है ऐसा योगी सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार योग में स्थित मनुष्य निरंतर योग अभ्यास द्वारा सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर सुख पूर्वक परब्रह्म से एक ही भाव में स्थिर रहकर दिव्य प्रेम स्वरूप परम आनंद को प्राप्त करता है। योग में स्थित मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का प्रसार देखता है और सभी प्राणियों को उस एक ही परमात्मा में स्थित देखता है ऐसा योगी सभी को एक समान भाव से देखने वाला होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को ही देखता है और सभी प्राणियों को मुझ परमात्मा में ही देखता है उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ।
और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। योग में स्थित जो मनुष्य सभी प्राणियों के हृदय में मुझको स्थित देखता है और भक्ति भाव में स्थित होकर मेरा ही स्मरण करता है, वह योगी सभी प्रकार से सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। हे अर्जुन, योग में स्थित जो मनुष्य अपने ही समान सभी प्राणियों को देखता है, सभी प्राणियों के सुख और दुख को भी एक समान रूप से देखता है, उसी को परम पूर्ण योगी समझना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, ये योग की विधि जिसके द्वारा समत्व भाव दृष्टि मिलती है, जिसका कि आपके द्वारा वर्णन किया गया है, मन के चंचलता के कारण मैं इस स्थिति में स्वयं को अधिक समय तक स्थिर नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, क्योंकि यह मन निश्चय ही बड़ा चंचल है, बड़ा ही हठी तथा बलवान है, मुझे इस मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग कर और निरंतर अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। जिस मनुष्य द्वारा मन को वश में नहीं किया गया है, ऐसे मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति असंभव है, लेकिन मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति सहज होता है, ऐसा मेरा विचार है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक योग में स्थिर रहने वाला किंतु बाद में योग से विचलित मन वाला असफल मनुष्य परम सिद्धि को न प्राप्त करके किस लक्ष्य को प्राप्त करता है? हे महाबाहु कृष्ण, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ मनुष्य जो कि न तो सांसारिक भोग को ही भोग पाया और न ही आपको प्राप्त कर सका, ऐसा मोह से ग्रसित मनुष्य क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से नष्ट तो नहीं हो जाता है? हे श्री कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से केवल आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, उस असफल योगी का न तो इस जन्म में और न अगले जन्म में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्रिय मित्र, परम कल्याणकारी नियत कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग में असफल हुआ मनुष्य स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें अनेकों वर्षों तक जिन इच्छाओं के कारण योग भ्रष्ट हुआ था, उन इच्छाओं को भोग करके फिर संपन्न सदाचारी मनुष्यों के परिवार में जन्म लेता है, अथवा उत्तम लोकों में न जाकर स्थिर बुद्धि वाले विद्वान योगियों के परिवार में जन्म लेता है, किंतु इस संसार में इस प्रकार का जन्म निःसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। हे अर्जुन, ऐसा जन्म प्राप्त करके वहां उसे पूर्व जन्म के योग संस्कार पुनः प्राप्त हो जाते हैं और उन संस्कारों के प्रभाव से वह परमात्मा प्राप्ति रूपी परम सिद्धि की प्राप्ति का फिर से प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह निश्चित रूप से परमात्म पथ की ओर खुद ही आकर्षित हो जाता है, ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों का उल्लंघन करके योग में स्थित हो जाता है। ऐसा योगी समस्त पाप कर्मों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों के कठिन अभ्यास से इस जन्म में प्रयत्न करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात परम गति को प्राप्त करता है। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना जाता है, और सकाम कर्म करने वालों की अपेक्षा भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। सभी प्रकार के योगियों में से जो पूर्ण श्रद्धा सहित संपूर्ण रूप से मेरे आश्रित हुए अपने अंतरकरण से मुझको निरंतर स्मरण करता है, ऐसा योगी मेरे द्वारा परम योगी माना जाता है। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ध्यान योग अर्थात आत्म संयम योग नाम का छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव महात्म्य आदि के रहस्य को
पूर्ण रूप से जान लेने का नाम ज्ञान है तथा सगुण निराकार एवं साकार तत्व के लीला रहस्य महत्व गुण एवं प्रभाव आदि के पूर्ण ज्ञान का नाम विज्ञान है। इस अध्याय के पहले श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझमें अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूंगा जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हे अर्जुन हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वालों में भी कोई एक ही होता है जो मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। हे अर्जुन परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति को जानने का प्रयत्न कर जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। यहाँ अपरा प्रकृति का अर्थ माया है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये सब माया ही तो है और परा प्रकृति का अर्थ यहाँ आत्मा से है। हे अर्जुन तू मेरी इन जड़ तथा चेतन प्रकृतियों को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। हे धनंजय मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे में गूंथे रहते हैं उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मनियों के समान मुझ में ही गूंथा हुआ है। हे कुंती पुत्र अर्जुन मैं ही जल का स्वाद हूँ सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ आकाश में ध्वनि हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व भी मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ अग्नि में उष्मा हूँ समस्त प्राणियों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप भी मैं हूँ। हे अर्जुन तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूँ। मैं बलवानों का कामना रहित और आसक्ति रहित बल हूँ और सब प्राणियों में धर्मानुसार विषयी जीवन हूँ। प्रकृति के 3 गुण सत्व गुण रज गुण और तम गुण से उत्पन्न होने वाले भाव उन सबको तू मुझसे उत्पन्न होने वाला समझ परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं मैं उनके अधीन नहीं हूँ। प्रकृति के इन 3 गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं इस कारण वे मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। हे अर्जुन इन 3 दिव्य गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना असंभव है परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं वो मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। मनुष्यों में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कर्म करने वाले आर्थ अर्थात दुख से निवृत्ति चाहने वाले अर्थार्थी अर्थात धन संपदा चाहने वाले जिज्ञासु अर्थात केवल मुझे जानने की इच्छा वाले और ज्ञानी अर्थात मुझे ज्ञान सहित जानने वाले ऐसे 4 प्रकार के भक्त मेरा स्मरण करते हैं। इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अनन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में स्थित रहता है क्योंकि ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। यद्यपि ये 4 प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थित रहता है। अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार
पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुसार जिस भी देवी देवताओं का पूजन करते हैं, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं और उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी होती है, किंतु वास्तव में ये सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ, इसलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझ अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, संसार में सभी प्राणी इच्छा द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं। परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसे मनुष्य उस ब्रह्म को परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह से जानते हैं। जो मनुष्य मुझे अधिभूत अर्थात संपूर्ण जगत का कर्ता, अधिदैव अर्थात संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा अधियज्ञ अर्थात संपूर्ण फलों का भोक्ता समझता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग अर्जुन के 7 प्रश्नों के उत्तर। अर्जुन पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव कौन कहलाते हैं? हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है और शरीर के अंत समय में आत्मा संयमी अर्थात योग युक्त मनुष्यों द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है? श्री भगवान ने कहा, जो अविनाशी है वही ब्रह्म है, अर्थात आत्मा ही ब्रह्म है और आत्मा में स्थिर भाव ही अध्यात्म कहलाता है, तथा जीवों के वह भाव जो कि अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करते हैं, उन भावों का मिट जाना ही कर्म कहलाता है। हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति जो कि निरंतर परिवर्तनशील है अधिभूत कहलाती है, तथा मेरा वह विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित है वह अधिदैव कहलाता है, और मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप स्थित अधियज्ञ हूँ अर्थात यज्ञ का भोक्ता हूँ। जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है, वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण किया है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर, मन बुद्धि से मेरे शरणागत होकर तू निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। हे पृथा पुत्र, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी चेतना अर्थात आत्मा से योग में स्थित होने का अभ्यास करता है, वह निरंतर चिंतन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मनुष्य को उस परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए जो कि सभी को जानने वाला है,
पुरातन है, जगत का नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन करता है, अकल्पनीय स्वरूप है, सूर्य के समान प्रकाशमान है और अंधकार से परे स्थित है। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति में लगा हुआ योग शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों भौहों के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है, वो निश्चित रूप से परमात्मा के उस परम धाम को ही प्राप्त होता है। संन्यास योग और भक्ति योग से परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जाती है, अब मैं तुम्हें उस उपाय को बताता हूँ। वेदों के ज्ञाता जन जिस परम पिता परमेश्वर को अविनाशी कहते हैं तथा बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं, उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस विधि को तुझे संक्षेप में बतलाता हूँ। शरीर के सभी द्वारों को वश में करके तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राणवायु को सिर में रोक करके योग धारणा में स्थित हुआ जाता है। इस प्रकार ओमकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का मन से चिंतन नहीं करता है और सदैव नियमित रूप से मेरा ही स्मरण करता है, उस नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुख रूपी अस्तित्व रहित क्षण भंगुर संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता है, बल्कि वह महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में निम्न लोक से ब्रह्म लोक तक के सभी लोकों में सभी जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। जो मनुष्य 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का दिन और 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि को जानते हैं, वो मनुष्य समय के तत्व को वास्तविकता से जानने वाले होते हैं। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव उस अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि की शुरुआत में पुनः अव्यक्त में ही विलीन हो जाते हैं, उस अव्यक्त को ही ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। हे पृथापुत्र, वही यह समस्त जीवों का समूह बार बार उत्पन्न और विलीन होता रहता है, ब्रह्मा की रात्रि के आने पर विलीन हो जाता है और दिन के आने पर अपने आप प्रकट हो जाता है। लेकिन उस अव्यक्त ब्रह्म के अतिरिक्त शाश्वत परम अव्यक्त परब्रह्म है, वह परब्रह्म सभी जीवों के नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता है, जिसे वेदों में अव्यक्त अविनाशी के नाम से कहा गया है, उसी को परम गति कहा जाता है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य कभी वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। हे पृथापुत्र, वह ब्रह्म जो परम श्रेष्ठ है, जिसे अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंदर सभी जीव स्थित है और जिसके कारण सारा जगत दिखाई देता है। हे भारत श्रेष्ठ, जिस समय में शरीर को त्याग कर जाने वाले योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता है और जिस समय में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म होता है, अब मैं तुम्हें उस समय के बारे में बतलाता हूँ। जिस समय ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का पूर्ण सूर्य प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो और जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर का त्याग करने वाले ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस समय अग्नि से धुआं फैल रहा हो, रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर त्यागने वाला स्वर्ग लोकों को प्राप्त होकर अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। वेदों के अनुसार इस मृत्यु लोक से जाने के 2 ही शाश्वत मार्ग है, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग। जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वह वापस नहीं आता है और जो मनुष्य अंधकार मार्ग से जाता है वह वापस लौट आता है। हे पृथापुत्र, भक्ति में स्थित मेरा कोई भी भक्त इन सभी मार्गों को जानते हुए भी कभी मोहग्रस्त नहीं होता है, इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरी भक्ति में स्थिर हो।
योग में स्थित मनुष्य वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, तप से और दान से प्राप्त सभी पुण्य फलों को भोगता हुआ अंत में निश्चित रूप से तत्व से जानकर मेरे परम धाम को ही प्राप्त करता है, जो कि मेरा मूल निवास स्थान है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद् गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नाम का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय 9 राज विद्या योग। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुझ ईर्ष्या न करने वाले के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को अनुभव सहित कहता हूँ, जिसको जानकर तू इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो सकेगा। ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सभी गोपनीयों से भी अति गोपनीय, परम पवित्र, परम श्रेष्ठ है। ये ज्ञान अविनाशी परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है। हे अर्जुन, धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर जन्म मृत्यु रूपी मार्ग से इस संसार में आते जाते रहते हैं। मेरे कारण ही यह सारा संसार दिखाई देता है और मैं ही इस संपूर्ण जगत में अदृश्य शक्ति रूप में सभी जगह स्थित हूँ। सभी प्राणी मुझ में ही स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। हे अर्जुन, यह मेरी ऐश्वर्य पूर्ण योग शक्ति को देख। ये संपूर्ण सृष्टि मुझ में कभी स्थित नहीं रहती है, फिर भी मैं सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला हूँ और सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हूँ, परंतु मेरा आत्मा सभी प्राणियों में स्थित नहीं रहता है, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ। जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करके विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प के आरंभ में उनको अपनी इच्छा शक्ति से फिर उत्पन्न करता हूँ। 84 लाख योनियों में सभी प्राणी अपनी इच्छा शक्ति के कारण बार बार मेरी इच्छा शक्ति से विलीन और उत्पन्न होते रहते हैं। ये सभी पूर्ण रूप से खुद ही मेरी इच्छा शक्ति के अधीन होते हैं, अर्थात मेरी प्रकृति के अधीन होते हैं। हे धनंजय, ये सभी कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं उन कार्यों में बिना किसी फल की इच्छा से उदासीन भाव में स्थित रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, मेरी अधीनता में मेरी अपराध शक्ति सभी चर तथा अचर जीव उत्पन्न और विनिष्ट करती रहती है, इसी कारण से यह संसार परिवर्तनशील है। मूर्ख मनुष्य मुझे अपने ही समान जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला समझते हैं, इसलिए वह सभी मनुष्य जीवात्माओं का परम ईश्वर वाले मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे मनुष्य कभी न पूर्ण होने वाली आशा में, कभी न पूर्ण होने वाले कर्मों में और कभी न प्राप्त होने वाले ज्ञान में मोहग्रस्त होकर मेरी मोहने वाली भौतिक प्रकृति की ओर आकृष्ट होकर निश्चित रूप से राक्षसी प्रवृत्ति और आसुरी स्वभाव धारण किए रहते हैं। हे प्रथापुत्र, मोह से मुक्त हुए महापुरुष दैवीय स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं और मुझको सभी जीवात्माओं का उद्गम जानकर अनन्य भाव से मुझ अविनाशी का स्मरण करते हैं। ऐसे महापुरुष दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करके निरंतर मेरे नाम और महिमा का गुणगान करते हैं और सदैव मेरी भक्ति में स्थिर होकर मुझे बार बार प्रणाम करते हुए मेरी पूजा करते हैं। कुछ मनुष्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ करके, कुछ मनुष्य मुझे एक ही तत्व जानकर, कुछ मनुष्य अलग अलग तत्व जानकर अनेक विधियों से निश्चित रूप से मेरे विश्व स्वरूप की ही पूजा करते हैं। हे अर्जुन, मैं ही वैदिक कर्म कांड को करने वाला हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही जड़ी बूटी रूप में औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन में दी जाने वाली आहुति हूँ। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मैं ही पालन करने वाला पिता हूँ, मैं ही उत्पन्न करने वाली माता हूँ, मैं ही मूल स्रोत दाता हूँ, मैं ही इसे धारण करने वाला हूँ, मैं ही पवित्र करने वाला ओंकार शब्द हूँ, मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ, मैं ही सभी प्राप्त होने वाला परम लक्ष्य हूँ, मैं ही सभी का भरण पोषण करने वाला हूँ,
मैं ही सभी का स्वामी हूँ। मैं ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला हूँ। मैं ही सभी का परम धाम हूँ। मैं ही सभी की शरण स्थली हूँ। मैं ही सभी से प्रेम करने वाला घनिष्ठ मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूँ। मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूँ। मैं ही सभी का स्थिर आधार हूँ। मैं ही सभी को आश्रय देने वाला हूँ और मैं ही सभी का अविनाशी कारण हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप में तप कर, जल को भाप रूप में रोक कर, बारिश रूप में उत्पन्न होता हूँ। मैं ही निश्चित रूप से अमर तत्व हूँ। मैं ही मृत तत्व हूँ। मैं ही सत्य रूप में तत्व हूँ और मैं ही असत्य रूप में पदार्थ हूँ। जो मनुष्य तीनों वेदों के अनुसार यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके सभी पापों से पवित्र होकर स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वह मनुष्य अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्र लोक में जन्म को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवी देवताओं वाले सुखों को भोगते हैं। वह जीवात्मा उस विशाल स्वर्ग लोक के सुखों का भोग करके पुण्य फलों के समाप्त होने पर इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के सिद्धांतों का पालन करके सांसारिक सुख की कामना वाले मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा ही स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म द्वारा पूजा करते हैं, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहता है, उस मनुष्य की सभी जरूरतें और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से अन्य देवी देवताओं को पूजा करते हैं, वह भी निश्चित रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनका वह पूजा करना अज्ञानता पूर्ण मेरी प्राप्ति की विधि से अलग त्रुटिपूर्ण होता है। मैं ही निश्चित रूप से समस्त यज्ञों का भोग करने वाला हूँ और मैं ही स्वामी हूँ, परंतु वह मनुष्य मेरे वास्तविक स्वरूप को तत्व से नहीं जानते, इसलिए वह कामनाओं के कारण पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, वह देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, वह पूर्वजों को प्राप्त होते हैं। जो भूतों की पूजा करते हैं, वह उन भूतों के कुल को प्राप्त होते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरी पूजा करते हैं, वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल और कुछ भी निष्काम भक्ति भाव से अर्पित करता है, उस शुद्ध भक्त का निष्काम भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ मैं स्वीकार करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी दान देता है और जो भी तपस्या करता है, उस सभी को मुझे समर्पित करते हुए कर। इस प्रकार तू समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के फलों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मन से सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर मन को परमात्मा में स्थिर करके विशेष रूप से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ। सृष्टि में न किसी से द्वेष रखता हूँ और न ही कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है, तब वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी निश्चित रूप से उसमें स्थित रहता हूँ। यदि कोई भी अत्यंत दुराचारी मनुष्य अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करता है, तो वह निश्चित रूप से साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से मेरी भक्ति में ही स्थित है। हे अर्जुन, वह शीघ्र ही मन से शुद्ध होकर धर्म का आचरण करता हुआ चिरस्थायी परम शांति को प्राप्त होता है, इसलिए तू निश्चित होकर घोषित कर दे कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। हे प्रथा पुत्र, स्त्री, वैश्य, शूद्र, भूत, पिशाच, कोई भी हो, वह भी मेरी शरण ग्रहण करके मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। तो फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजर्षि क्षत्रियों का तो कहना ही क्या है। इसलिए तू क्षण में नष्ट होने वाले दुख से भरे हुए इस जीवन में निरंतर मेरा ही स्मरण कर। हे अर्जुन, तू मुझ में ही मन को स्थिर कर, मेरा ही भक्त बन, मेरी ही पूजा कर और मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार अपने मन को मुझ परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर करके मेरी शरण होकर तू निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या,
तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राजविद्या योग नाम का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, तू मेरे परम प्रभावशाली वचनों को फिर से सुन, क्योंकि मैं तुझे अत्यंत प्रिय मानता हूँ, इसलिए तेरे हित के लिए कहता हूँ। मेरे ऐश्वर्य के प्रभाव को न तो कोई देवतागण जानते हैं और न ही कोई महान ऋषिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों को उत्पन्न करने वाला हूँ। जो मनुष्य मुझे जन्म मृत्यु रहित आदि अंत रहित और सभी लोगों का महान ईश्वरीय रूप को जान जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य मोह से मुक्त होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, संशय को मिटाने वाली बुद्धि, मोह से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान, क्षमा का भाव, सत्य का आचरण, इंद्रियों का नियंत्रण, मन की स्थिरता, सुख दुख की अनुभूति, जन्म मृत्यु का कारण, भय अभय की चिंता, अहिंसा का भाव, समानता का भाव, संतुष्ट होने का स्वभाव, तपस्या की शक्ति, दानशीलता का भाव और यश अपयश की प्राप्ति में जो भी कारण होते हैं, ये सभी मनुष्यों के अनेकों प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सातों महान ऋषि और उनसे भी पहले उत्पन्न होने वाले चारों संकादि कुमारों तथा स्वयंभू मनु आदि, ये सभी मेरे मन की इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। संसार के सभी लोकों के समस्त जीव इन्हीं की ही संतानें हैं। जो मनुष्य मेरी इस विशेष ऐश्वर्य पूर्ण योग शक्ति को तत्व सहित जानता है, वह स्थिर मन से मेरी भक्ति में स्थित हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही संपूर्ण जगत की क्रियाशीलता है, इस प्रकार मानकर विद्वान मनुष्य अत्यंत भक्ति भाव से मेरा ही निरंतर स्मरण करते हैं। जिन मनुष्यों के चित मुझ में स्थिर रहते हैं और जिन्होंने अपना जीवन मुझको ही समर्पित कर दिया है, वह भक्त जन आपस में एक दूसरे को मेरा अनुभव कराते हैं। वह भक्त मेरा ही गुणगान करते हुए निरंतर संतुष्ट रहकर मुझ में ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। जो सदैव अपने मन को मुझ में स्थित रखते हैं और प्रेम पूर्वक निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, उन भक्तों को मैं वह बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में स्थित आत्मा के द्वारा उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से दूर करता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप परमेश्वर है, आप परब्रह्म है, आप परम आश्रय दाता है, आप परम शुद्ध चेतना है, आप शाश्वत पुरुष है, आप दिव्य है, आप अजन्मा है, आप समस्त देवताओं के भी आदि देव और आप ही सर्वत्र व्याप्त है। हे कृष्ण, जो अब आप स्वयं मुझे बता रहे हैं, ये तो सभी ऋषिगण असित देवल और व्यास तथा देवर्षि नारद भी कहते हैं। हे केशव, जो ये सब कुछ आप मुझे बता रहे हैं, उसे मैं पूर्ण सत्य रूप से स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, आपके स्वरूप को न तो देवतागण और न ही असुरगण जान सकते हैं। हे पुरुषोत्तम, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त देवताओं के देव, हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे सभी प्राणियों के ईश्वर, एकमात्र आप ही अपने आप को जानते हैं, या फिर वही जान पाता है जिसकी अंतर आत्मा में प्रकट होकर आप अपना ज्ञान कराते हैं। हे कृष्ण, कृपा करके आप अपने उन अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूपों को विस्तार से कहिए, जिसे कहने में केवल आप ही समर्थ हैं, जिन ऐश्वर्यों द्वारा आप इन सभी लोकों में व्याप्त होकर स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करके आपको जान सकता हूँ और मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप का किन किन भावों से स्मरण करूँ? हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और अपने ऐश्वर्य पूर्ण रूपों को फिर भी विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृत स्वरूप वचनों को सुनते हुए भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है।
श्री भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपने मुख्य अलौकिक ऐश्वर्य पूर्ण रूपों को कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार की तो कोई सीमा नहीं है। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, और मैं ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का, मैं ही सभी प्राणियों के जीवन का, और मैं ही सभी प्राणियों की मृत्यु का कारण हूँ। मैं सभी आदित्यों में विष्णु हूँ, मैं सभी ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ, मैं सभी मरुतों में मरीचि नामक वायु हूँ, और मैं ही सभी नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं सभी वेदों में सामवेद हूँ, मैं सभी देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, सभी इंद्रियों में मन हूँ, और सभी प्राणियों में चेतना स्वरूप जीवन शक्ति हूँ। मैं सभी रुद्रों में शिव हूँ, मैं यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, मैं सभी वसुओं में अग्नि हूँ, और मैं ही सभी शिखरों में मेरु हूँ। हे पार्थ, सभी पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझे ही समझ, मैं सभी सेनानायकों में कार्तिकेय हूँ, और मैं ही सभी जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, मैं सभी वाणी में एक अक्षर हूँ, मैं सभी प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, और मैं ही सभी स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। मैं सभी वृक्षों में पीपल हूँ, मैं सभी देवशियों में नारद हूँ, मैं सभी गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, और मैं ही सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। समस्त घोड़ों में समुद्र मंथन से अमृत के साथ उत्पन्न उच्चैःश्रवा घोड़ा मुझे ही समझ, मैं सभी हाथियों में ऐरावत हूँ, और मैं ही सभी मनुष्यों में राजा हूँ। मैं सभी हथियारों में वज्र हूँ, मैं सभी गायों में सुरभि हूँ, मैं धर्मानुसार संतान उत्पत्ति का कारण रूप प्रेम का देवता कामदेव हूँ, और मैं ही सभी सर्पों में वासुकी हूँ। मैं सभी नागों में शेषनाग हूँ, मैं समस्त जलचरों में वरुण देव हूँ, मैं सभी पितरों में अर्यमा हूँ, और मैं ही सभी नियमों को पालन करने वालों में यमराज हूँ। मैं सभी असुरों में भक्त प्रहलाद हूँ, मैं सभी गिनती करने वालों में समय हूँ, मैं सभी पशुओं में सिंह हूँ, और मैं ही पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूँ, मैं सभी शस्त्र धारण करने वालों में राम हूँ, मैं सभी मछलियों में मगर हूँ, और मैं ही समस्त नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं ही समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ, मैं सभी विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूँ, और मैं ही सभी तर्क करने वालों में निर्णायक सत्य हूँ। मैं सभी अक्षरों में ओंकार हूँ, मैं ही सभी समासों में द्वंद्व हूँ, मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूँ, और मैं ही सभी को धारण करने वाला विराट स्वरूप हूँ। मैं ही सभी को नष्ट करने वाली मृत्यु हूँ, मैं ही भविष्य में सभी को उत्पन्न करने वाली सृष्टि हूँ। स्त्रियों वाले गुणों में कीर्ति, सौंदर्य, वाणी की मधुरता, स्मरण शक्ति, बुद्धि, धारणा और क्षमा भी मैं ही हूँ। मैं सामवेद की गाने वाली श्रुतियों में बृहत साम हूँ, मैं छंदों में गायत्री छंद हूँ, मैं महीनों में मार्ग शीर्ष, और मैं ही ऋतुओं में वसंत हूँ। मैं छलने वालों का जुआ हूँ, मैं तेजस्वियों का तेज हूँ, मैं जीतने वालों की विजय हूँ, मैं व्यवसायियों का निश्चय हूँ, और मैं ही सत्य बोलने वालों का सत्य हूँ। मैं वृष्णवंशियों में वासुदेव हूँ, मैं ही पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं मुनियों में वेदव्यास हूँ, और मैं ही कवियों में शुक्राचार्य हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड हूँ, मैं विजय की कामना वालों की नीति हूँ, मैं रहस्य रखने वालों का मौन हूँ, और मैं ही ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, वह बीज भी मैं ही हूँ, जिनके कारण सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा चर या अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना अलग रह सके। हे परंतप अर्जुन, मेरी लौकिक और अलौकिक ऐश्वर्य पूर्ण स्वरूपों का अंत नहीं है। मैंने अपने इन ऐश्वर्यों का वर्णन तो तेरे लिए संक्षिप्त रूप से कहा है। जो जो ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, उनको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ समझ। किंतु हे अर्जुन, तुझे इस प्रकार सारे ज्ञान को विस्तार से जानने की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके सर्वत्र स्थित रहता हूँ। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद् गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में
विभूति योग नाम का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन द्वारा विश्वरूप के दर्शन के लिए प्रार्थना। अर्जुन ने कहा, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय ज्ञान दिया है, उस उपदेश से मेरा यह मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय और आपकी अविनाशी महिमा का भी वर्णन विस्तार से सुना है। हे परमेश्वर, आपके द्वारा वर्णित जैसा आपका वास्तविक रूप है, मैं वैसा ही देख रहा हूँ। किंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्य युक्त रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप उचित मानते हैं कि मैं आपके उस रूप को देखने में समर्थ हूँ, तब हे योगेश्वर, आप कृपा करके मुझे अपने उस अविनाशी विश्वरूप में दर्शन दीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों अनेक प्रकार के अलौकिक रूपों को और अनेक प्रकार के रंगों वाली आकृतियों को भी देख। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तू मुझ में अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को और इसके पहले कभी किसी के द्वारा न देखे हुए उन अनेकों आश्चर्यजनक रूपों को भी देख। हे अर्जुन, तू मेरे इस शरीर में एक स्थान में चर अचर सृष्टि सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को देख और अन्य कुछ भी तू देखना चाहता है उन्हें भी देख। किंतु तू अपनी इन आँखों की दृष्टि से मेरे इस रूप को देखने में निश्चित रूप से समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे अलौकिक दृष्टि देता हूँ, जिससे तू मेरी इस ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय द्वारा धृतराष्ट्र के समक्ष विश्वरूप का वर्णन। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली योगी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त अलौकिक विश्वरूप दिखलाया। इस विश्वरूप में अनेकों मुंह, अनेकों आंखें, अनेकों आश्चर्यजनक दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेकों दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए, दिव्य मालाएं वस्त्र को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सभी प्रकार के आश्चर्यपूर्ण प्रकाश से युक्त, असीम और सभी दिशाओं में मुख किए हुए सर्वव्यापी परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो, तो उनसे उत्पन्न होने वाला वह प्रकाश भी उस सर्वव्यापी परमेश्वर के प्रकाश की शायद ही समानता कर सके। पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से अलग अलग संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी देवताओं को भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक स्थान में स्थित देखा। तब आश्चर्यचकित हर्ष से रोमांचित हुए शरीर से अर्जुन ने भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करके और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला। अर्जुन द्वारा विश्वरूप की स्तुति करना। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को तथा अनेकों विशेष प्राणियों को एक साथ देख रहा हूँ और कमल के आसन पर स्थित ब्रह्मा जी को, शिव जी को, समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, मैं आपके शरीर में अनेकों हाथ, पेट, मुख और आँखें तथा चारों ओर से असंख्य रूपों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, न तो मैं आपका अंत, न मध्य और न आदि को ही देख पा रहा हूँ। मैं आपको चारों ओर से मुकुट पहने हुए, गदा धारण किए हुए और चक्र सहित अपार तेज से प्रकाशित देख रहा हूँ और आपके रूप को सभी ओर से अग्नि के समान जलता हुआ, सूर्य के समान चकाचौंध करने वाले प्रकाश को कठिनता से देख पा रहा हूँ। हे भगवान, आप ही जानने योग्य परब्रह्म परमात्मा है, आप ही इस जगत के परम आधार है, आप ही अविनाशी सनातन धर्म के पालक है और मेरी समझ से आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है। आप अनादि है, अनंत है और मध्य रहित है। आपकी महिमा अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, चंद्र और सूर्य आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से जलती हुई अग्नि के निकलने वाले तेज के कारण इस संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महापुरुष, संपूर्ण आकाश से लेकर पृथ्वी तक के बीच केवल आप ही अकेले सभी दिशाओं में व्याप्त है और आपके इस भयंकर आश्चर्यजनक रूप को देखकर
तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। सभी देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, उनमें से कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपका गुणगान कर रहे हैं, और महर्षिगण और सिद्धों के समूह कल्याण हो इस प्रकार कहकर उत्तम वैदिक मंत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के सभी रूप, सभी आदित्यगण, सभी वसु, सभी साध्यगण, संपूर्ण विश्व के देवता, दोनों अश्विनी कुमार तथा समस्त मरुतगण और पितरों का समूह, सभी गंधर्व, सभी यक्ष, समस्त राक्षस और सिद्धों के समूह, वह सभी आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके अनेकों मुख, आंखें, अनेकों हाथ, जंघा, पैरों, अनेकों पेट और अनेक दांतों के कारण विराट रूप को देखकर सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करता हुआ अनेकों प्रकाशमान रंगों से युक्त मुख को फैलाए हुए और आपकी चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखों को देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न ही शांति को प्राप्त कर पा रहा हूँ। इस प्रकार दांतों के कारण विकराल और प्रलयकारी अग्नि के समान आपके मुखों को देखकर मैं आपकी न तो कोई दिशा को जान पा रहा हूँ और न ही सुख पा रहा हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अपने समस्त सहायक वीर राजाओं सहित तथा पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, सूत पुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा भी आपके भयानक दांतों वाले विकराल मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं, और उनमें से कुछ तो दांतों के दोनों शिरों के बीच में फंसकर चूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेकों जल धाराएं बड़े वेग से समुद्र की ओर दौड़ती हुई प्रवेश करती है, उसी प्रकार सभी मनुष्य लोक के वीर योद्धा भी आपके आग उगलते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए जलती हुई अग्नि में बड़ी तेजी से प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार यह सभी लोग भी अपने विनाश के लिए बहुत तेजी से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हे विश्वव्यापी भगवान, आप उन समस्त लोगों को जलते हुए सभी मुखों द्वारा निगलते हुए सभी ओर से चाट रहे हैं, और आपके भयंकर तेज प्रकाश की किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित करके झुलसा रही हैं। हे सभी देवताओं में श्रेष्ठ, कृपा करके आप मुझे बताएं कि आप इतने भयानक रूप वाले कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आप ही निश्चित रूप से आदि भगवान हैं। मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके स्वभाव को नहीं जानता हूँ। भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन श्री भगवान ने कहा, मैं इस संपूर्ण संसार का नष्ट करने वाला महाकाल हूँ। इस समय इन समस्त प्राणियों का नाश करने के लिए लगा हुआ हूँ। यहाँ स्थित सभी विपक्षी पक्ष के योद्धा तेरे युद्ध न करने पर भी भविष्य में नहीं रहेंगे। हे सव्यसाची, इसलिए तू यश को प्राप्त करने के लिए, युद्ध करने के लिए खड़ा हो और शत्रुओं को जीत कर सुख संपन्न राज्य का भोग कर। ये सभी पहले ही मेरे ही द्वारा मारे जा चुके हैं, तू तो युद्ध में केवल निमित्त बना रहेगा। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और भी अन्य अनेक मेरे द्वारा मारे हुए इन महान योद्धाओं से तू बिना किसी भय से विचलित हुए युद्ध कर। इस युद्ध में तू ही निश्चित रूप से शत्रुओं को जीतेगा। संजय ने कहा, भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किया और फिर अत्यंत भय से कांपता हुआ प्रणाम करके अवरुद्ध स्वर से भगवान श्री कृष्ण से बोला। अर्जुन ने कहा, हे अंतर्यामी प्रभु, यह उचित ही है कि आपके नाम के कीर्तन से संपूर्ण संसार अत्यंत हर्षित होकर आपके प्रति अनुरक्त हो रहा है, तथा आसुरी स्वभाव के प्राणी आपके भय के कारण इधर उधर भाग रहे हैं और सभी सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मा, ये सभी श्रेष्ठ जन आपको नमस्कार क्यों ना करें, क्योंकि आप ही ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले हैं। हे अनंत, हे देवाधिदेव, हे जगत के आश्रय, आप अविनाशी, समस्त कारणों के मूल कारण और आप ही परम तत्व है। आप आदि देव सनातन पुरुष हैं, आप इस संसार के परम आश्रय हैं,
आप जानने योग्य है तथा आप ही जानने वाले हैं। आप ही परम धाम है और आपके ही द्वारा ये संसार अनंत रूपों में व्याप्त है। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा सभी प्राणियों के पिता ब्रह्म भी है और आप ही ब्रह्मा के पिता भी है। आपको बारंबार नमस्कार, आपको हजारों बार नमस्कार। हे असीम शक्तिमान, मैं आपको आगे से, पीछे से और सभी ओर से भी नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप ही सब कुछ है। आप अनंत पराक्रम के स्वामी है। आप ही से समस्त संसार व्याप्त है, अतः आप ही सब कुछ है। आपको अपना मित्र मानकर मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार आपकी महिमा को जाने बिना मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ कहा है। हे अच्युत, यही नहीं, हंसी मजाक में आराम करते हुए, सोते हुए, बैठते हुए या भोजन करते हुए, कभी अकेले में या कभी मित्रों के सामने मैंने आपका जो अनादर किया है, उन सभी अपराधों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप इस चल और अचल जगत के पिता और आप ही इस जगत में पूजनीय आध्यात्मिक गुरु है। हे अचिंत्य शक्ति वाले प्रभु, तीनों लोकों में अन्य न तो कोई आपके समान हो सकता है और न ही कोई आपसे बढ़कर हो सकता है। अतः मैं समस्त जीवों के पूजनीय भगवान के चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम करके आपकी कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अपराधों को, मित्र अपने मित्र के अपराधों को और प्रेमी अपनी प्रिया के अपराधों को सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप मेरे अपराधों को सहन करने की कृपा करें। अर्जुन द्वारा चतुर्भुज रूप के लिए प्रार्थना पहले कभी न देखे गए आपके इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही मेरा मन भय के कारण विचलित भी हो रहा है। इसलिए हे देवताओं के स्वामी, हे जगत के आश्रय, आप मुझ पर प्रसन्न होकर अपने पुरुषोत्तम रूप को मुझे दिखलाइए। हे हजारों भुजाओं वाले विराट स्वरूप भगवान, मैं आपके मुकुट धारण किए हुए और हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। कृपा करके आप चतुर्भुज रूप में प्रकट हो। भगवान द्वारा विश्वरूप के दर्शन की महिमा और चतुर्भुज दर्शन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से तुझे अपना दिव्य विश्वरूप दिखाया है। मेरे इस तेजो में अनंत विश्वरूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे इस विश्वरूप को मनुष्य लोक में न तो यज्ञों के द्वारा, न वेदों के अध्ययन द्वारा, न दान के द्वारा, न पुण्य कर्मों के द्वारा और न कठिन तपस्या द्वारा ही देखा जाना संभव है। मेरे इस विश्वरूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। हे मेरे परम भक्त, तू मेरे इस विकराल रूप को देखकर न तो अधिक विचलित हो और न ही मोहग्रस्त हो। अब तू पुनः सभी चिंताओं से मुक्त होकर प्रसन्न चित से मेरे इस चतुर्भुज रूप को देख। संजय ने कहा, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद अपना विष्णु स्वरूप चतुर्भुज रूप को प्रकट किया और फिर दो भुजाओं वाले मनुष्य स्वरूप को प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अत्यंत सुंदर मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान ने कहा, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है उसे देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस शाश्वत रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। मेरे इस चतुर्भुज रूप को, जिसको तेरे द्वारा देखा गया है, इस रूप को न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जाना संभव है। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है, वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है और इसी विधि से मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। हे पांडुपुत्र, जो मनुष्य केवल मेरी शरण होकर मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है, मेरी भक्ति में स्थित रहता है, सभी कामनाओं से मुक्त रहता है और समस्त प्राणियों से मैत्री भाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करता है।
इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विश्वरूप दर्शन योग नाम का 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग साकार और निराकार रूप से भगवत प्राप्ति। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो विधि आपने बताई है उसी विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से आपकी शरण होकर कुछ लोग आपके सगुण साकार रूप की निरंतर पूजा आराधना करते हैं, अन्य लोग जो आपकी शरण न होकर अपने भरोसे आपके निर्गुण निराकार रूप की पूजा आराधना करते हैं, इन दोनों प्रकार के योगियों में किसे अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माना जाए? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में अपने मन को स्थिर करके निरंतर मेरे सगुण साकार रूप की पूजा में लगे रहते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे दिव्य स्वरूप की आराधना करते हैं, वह मेरे द्वारा योगियों में अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य मन बुद्धि के चिंतन से परे परमात्मा के अविनाशी सर्वव्यापी अकल्पनीय निराकार अचल स्थित स्वरूप की उपासना करते हैं, वह मनुष्य भी अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से और सभी प्राणियों के हित में लगे रहकर मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त मन वाले मनुष्यों को परमात्मा की प्राप्ति अत्यधिक कष्टपूर्ण होती है, क्योंकि जब तक शरीर द्वारा कर्तापन का भाव रहता है तब तक अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति दुखप्रद होती है। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मेरी शरण होकर अनन्य भाव से भक्ति योग में स्थित होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरी आराधना करते हैं, मुझ में स्थिर मन वाले उन मनुष्यों का मैं जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से अति शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा, इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझ में ही सदैव निवास करेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता है तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर। यदि तू भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता है तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कर, इस प्रकार तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त करेगा। यदि तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता है तो मुझ पर आश्रित होकर सभी कर्मों के फलों का त्याग करके समर्पण के साथ आत्मस्थित महापुरुष की शरण ग्रहण कर उनकी प्रेरणा से कर्म अपने आप होने लगेगा। बिना समझे मन को स्थिर करने के अभ्यास से ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ समझा जाता है और ध्यान से सभी कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे त्याग से शीघ्र ही परम शांति की प्राप्ति होती है। भक्ति में स्थित मनुष्य के लक्षण, जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता है, सभी प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखता है, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखने वाला होता है तथा ममता से मुक्त, मिथ्या अहंकार से मुक्त, सुख और दुख को समान समझने वाला और सभी के अपराधों को क्षमा करने वाला है, ऐसे लक्षण उन मनुष्यों के हैं जो मेरी भक्ति में स्थित है। जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव में स्थिर रहकर सदैव प्रसन्न रहता है, दृढ़ निश्चय के साथ मन सहित इंद्रियों को वश किए रहता है और मन एवं बुद्धि को मुझे अर्पित किए हुए रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य न तो किसी के मन को विचलित करता है और न ही अन्य किसी के द्वारा विचलित होता है, जो हर्ष संताप और भय चिंताओं से मुक्त है, ऐसा भक्त भी मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता है, जो शुद्ध मन से मेरी आराधना में स्थित है, जो सभी कष्टों के प्रति उदासीन रहता है और जो सभी कर्मों को मुझे अर्पण करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य न तो कभी हर्षित होता है, न ही कभी शोक करता है, न ही कभी पछताता है और न ही कामना करता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्म फलों को मुझे अर्पित करता है, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझे प्रिय होता है।
जो मनुष्य शत्रु और मित्र में, मान तथा अपमान में समान भाव में स्थित रहता है, जो सर्दी और गर्मी में, सुख तथा दुख आदि द्वंद्वों में भी समान भाव में स्थित रहता है, और जो दूषित संगति से मुक्त रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो निंदा और स्तुति को समान समझता है, जिसकी मन सहित सभी इंद्रियां शांत है, जो हर प्रकार की परिस्थिति में सदैव संतुष्ट रहता है, और जिसे अपने निवास स्थान में कोई आसक्ति नहीं होती है, ऐसा स्थिर बुद्धि के साथ भक्ति में स्थित मनुष्य मुझे प्रिय होता है। परंतु जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत का ठीक उसी प्रकार से पालन करते हैं जैसा मेरे द्वारा कहा गया है, और जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण ग्रहण किए रहते हैं, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझको अत्यधिक प्रिय होता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद् गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग नाम का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।